तू मरे वाली औरत है कि आदमी है कि जिन्नात की नस्ल से कि खबीस है? खबीस। अच्छा खबीस है। लगा फिर जोर से आवाज लगा के बोल कौन है? खबीस। जोर से। खबीस। जोर से। खबीस। जोर से। अच्छा खबीस, तुझे कोई लोगों का कपड़ा और जोर से जल्दी तो दबा कर, जोर से बोल, दबा दबा जोर से, और जोर से कतर दूंगा, दोनों हाथ काट के बाद टांगूंगा तेरे, ले लू क्या काट के ले लू? नाम मकूल मत बस, बाप का राज चला रहा तुम्हारे। चलो इसको कैद कराने की तैयारी करो, मार के खत्म कराने की। इमलियों के झाड़ों पे बैठ बैठ के लोगों के जाना ले रहा, बड़ा जादूगर पकड़ के ला रहा इसको। तो तोबा कर आवाज से, तोबा बोल जोर से, तोबा जोर से चीख मार के, तोबा मुंह पे हाथ मार, तोबा बोल तोबा। चलो इसको लो, इसको जकड़ के नाला और जला के राख करो इसके अंदर की दवाएं सब। ये जो मां ताकत लगा जोर से, हाँ लगा, हाँ तेजी से, हाँ और जोर से, हाँ और तेजी से, हाँ लगा पूरी ताकत, सबको सुने आना जोर से और जोर से और जोर से जोर से। चलाने की तैयारी करो, उसके अंदर से आग लगाओ, उसको जकड़ के चल रहे मार, चीख कितने जोर से तेरी ताकत पूरी मार के बता, झल दे, हाँ और जोर से, हाँ और जोर से, और जोर से, और जोर से, लगा पूरी ताकत, खिला के छोड़े अल्लाह दवा अटके जी अंदर, जकड़ो उसको, खिला के छोड़े अल्लाह ये, हाँ लो उसको और तेज से, लगा पूरी ताकत लगा, जोर से और जोर से, और तेजी से, निकालो उसके पेट में से, मार मार के सब बाहर निकालो उसके अंदर से, चल बाहर, हाँ चल बाहर, हाँ चल बाहर, हाँ जोर से, सब बाहर, क्या नाम है इसका? शिफा। शिफा को काय में खिलाए थे रे, हाँ जोर से बोल, कोई बात मत करो बीच में, चावल में, अरे तुम बैठो ना जी सीधा, बुद्धि चुस्के मुंह पे का उठा रहे, कैमरा चालू है ना वहाँ, हाँ चल रहे बोल, कम बखत, चावल में, हाँ चावल, अच्छा कितना टाइम होला खिला कर बच्ची को, शादी को एहतजाब, अच्छा कितना वक्त होगा फिर भी? दो महीने, झूठ बोल रहा तू, सही बोल, उससे पहले और कितने बार खिलाए थे? दो बार। अच्छा दो बार, सबसे पहले कब खिलाए थे? 4 महीने। अच्छा इसी तबीयत कब से खराब है? हाँ अच्छा, और एक सवाल मेरा,
नाम नहीं पूछा मैं, नाम नहीं पूछा, किसका नाम अगर बोला जबान कतर दूंगा, अभी बाद में पूछूंगा मैं नाम। बता मुझे ये शिफा को जो खिलाए तो इसके माँ के खानदान के थे क्या, बाप के खानदान के थे क्या, दोस्ताने के लोग थे, कौन थे? दोनों थे। हाँ, माँ के भी बाप के। अच्छा, वो दोनों तरफ से रिश्ते में होते। हाँ, अच्छा वो जिसने खिलाई वो औरत था क्या, आदमी था? औरत। जल्दी बोल कमबख्त। औरत। अच्छा, और एक सवाल, दुश्मनी क्या थी, जमीन जायदाद की थी क्या, जलन थी, हसद थी, क्या था? शादी। शादी की। इसकी शादी हुई क्या, इसको मांगे थे क्या कोई? मांगे तो बोल रहे था। अच्छा हाँ, ठहरो, हाँ बोल रहे जल्दी। और एक सवाल मेरा, शिफा का जादू करते टाइम क्या लग गए थे, बाल, चप्पल, मट्टी? हाँ, कपड़ा क्या लिए थे? हाँ सब वैसा नहीं, बता क्या क्या लिए? बाल, चप्पल। हाँ, कपड़ा था, कपड़ा कैसे कलर का था? पीला। पीले कलर का कपड़ा था। हाँ। क्या था, शर्ट, ओढ़नी, दुपट्टा? फराक। फराक ली जाके कितना टाइम हो रहा? शादी के टाइम। अच्छा, जब ही ले गए। हाँ। अच्छा एक सवाल, वो शादी थी किसकी, वो रिश्तेदारी? अच्छा, इसके रिश्तेदारी की। अच्छा और एक सवाल, वो जादू कहाँ से चलाए थे, शमशान, कब्रस्तान? हाँ? खेत। खेत में से बैठ के करा उन्हें। तंत्र मंत्र क्रिया कौन सी थी, कब्रस्तान वाली थी, शमशान वाली थी? शमशान। शमशान। अच्छा तुझे क्या बोले, बच्ची को मार दे बोले था, तड़पा तड़पा के, उल्टा लगा के, रात में खत्म कर दे। अच्छा कैसा मार दे बोले? दम घुटा के। अच्छा दम घुटा के। अच्छा शिफा को किस चीज में मिला के खिलाए थे, क्या था वो खाना? बिरयानी वाले चावल। बिरयानी वाले चावल। अच्छा बिरयानी वाले चावल। अच्छा वो शादी से पहले भी खिलाए थे क्या, एक दो बार? और शादी के टाइम। शादी के टाइम। अच्छा उसका जो फराक लग गया, फराक औरत ने लग गई, आदमी ने लग गया, के बच्चे ने लग गया, के बच्ची ने? आदमी ने। आदमी ने चोरी करा था। वो औरत के साथ आदमी भी मिले आला है? नहीं, वो औरत। हाँ। अच्छा औरत और आदमी दो जनों है। अच्छा वो आदमी उसका मर्द है क्या, उसका कोई दोस्तान है? बेटा है। अच्छा और एक सवाल, ये बच्ची को, शिफा को अम्मास में खत्म करने का था क्या, पुन्नम में? पुन्नम। हाँ? दोनों में जैसा मौका मिला वैसा। क्या करके मारने का था? रात में गल्ला दबा। गल्ला दबा दे बोले। अभी तक कितने इंसानों को मारा तू? मरियाली औरत है कि आदमी है, कि जिन्नात की नस्ल से, कि खबीस है? खबीस। हाँ? खबीस। अच्छा खबीस है। लगा फिर जोर से आवाज लगा के बोल, कौन है? खबीस। जोर से। खबीस। जोर से। खबीस। जोर से। अच्छा खबीस, तुझे कोई लोगों का कपड़ा सुंगाए तो उनके बारे में समझता क्या तुझे? हाँ, ये सामने वाली की टोपी निकाल के तुझे सुंगाया तो उसका समझता क्या, उसमें कुछ है क्या, करे अल्लाह? नहीं। हाँ नहीं, खाली इतना समझता लोग, जाना लेना है ना। कहाँ का था तू, तुझे कहाँ से पकड़ा उन्होंने? इमली से। अच्छा इमली के झाड़ पे था बैठाला। हाँ, पहले लोगों को मारा हूँ, टांगा फिंगा तोड़ाऊंगा वहां से, झाड़ों पे से गिरा के लोगों को। हाँ? हाँ। कितने लोगों को? बहुत। अच्छा चलो जकड़ो इसको नाला। और क्या पूछाने का तुम्हारे? बस उसका खुलासा करके उसके निकाल के बस। नामों का, नाम आगे पूछूंगा, अभी नहीं, लड़ाई होते ना पहले पूछा है तो। अरे चार चार दिन उसको निवाला नहीं, पानी में यहाँ तक जाता। अरे यहाँ से पानी वापस आता। अरे पकड़े। तुम कौन है? अम्मी है, तुम्हारा पुराना पेशेंट है ये। अच्छा अच्छा। से तुम कौन है? नानी है इसकी। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर ये दोनों कौन है? ये मामू है दोनों। अच्छा इनको क्या हुआ था पहले? उसको भी ऐसे झपट में आई हुई थी, बहुत चक्कर है हमारे सबके, इसका थोड़ा बहुत दूंगा बोल के मौलाना को बताई मैंने औरंगाबाद में, सिल्लोड़ में, जाले में। आखिरी फिर तुम्हारी याद है, मोबाइल में बच्चे ने बताया मोबाइल चालू है कि नहीं, रात मोबाइल में देखा उन्हें तो सुख, फिर हमने फोन करे थे रात में। चलो इसको मारो, इसको नाला है कुछ अकड़ के, तेजी के साथ में आग लगाओ इसके अंदर से। क्या शैतान, वो तो आगे पूछूंगा ना, वो नामा, वो जो भी जिसने करे उनके नामा, तुम्हारा को आगे पूछूंगा, अभी नहीं।
आगे तफसील में सब पूछूंगा ना, अभी सरसरी मुताला हो रहा, अभी खाली तुम्हारे को ट्रेला भी बता रहे, अभी खाली देख रहे क्या क्या लेवल चल रहा। तो बोल रहे और किस किस को मारने का था घर में से इसके बाद छुकरी के? हाँ कितने बहन भाई हैं उसको? ये बड़ी है, इससे एक भाई है, बहन है और दो छोटे भाई हैं। हाँ रे उनको मारने का था क्या? नहीं। हाँ खाली इसको कुछ उसकी माँ को। हाँ उसकी माँ को भी। जोर से बोल। उसकी माँ को भी उसको मारने का है? नहीं बोली थी उसने। हाँ माँ को कैसा मारने का है? मना करी थी पहले ये छोकरी को मार के फिर उसको मारने का है ना? अच्छा चलो इसको जकड़ के रखो, इसको नाला कुत्ते के साथ में मार मार के खत्म करेंगे। अब रोक लूंगा उसकी सांस बच्ची की। नहीं। हाँ जोर से बोल। नहीं। जोर से बोल। नहीं। करेंगा परेशान? नहीं। हाँ जोर से बोल, जोर से। तबीयत में उखाड़ेंगा उसके, अब करेंगे बिगाड़ पैदा। नहीं। जोर से नहीं। चलो इसको बन के डालो नाला और इसके अंदर सब जला कर राख करने की तैयारी कराओ। कहाँ गए वो हजरत यहाँ के? जकड़ो उसको और तेजी के साथ ना मखूल बदबخت। कल मार देने वाला था। हाँ 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 अब्बा का चरा चल रहा तुम्हारे, देखा क्या मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। कैसा यहाँ लाए तुझे, कैसा यहाँ ला के खत्म करा रहे? अब तुझे जंजीरा डाल के पूरा जला के रात करने आज रात में से कैसा मारने वाला था रात में से? ये ने पढ़ी थी। अच्छा पढ़ के दम करी फिर तू आज ही फाइनल कर देने वाला था उसका। चल तो बातों पर मुंह पे हाथा मार, चीख मार के तो बातों पर जोर से तो बातों पर और जोर से जल्दी तो बातों पर जोर से बोल तो बातों पर जोर से और जोर से कतर दूंगा दोनों हाथ काट के बाहर टांग दूंगा तेरे। ले लू क्या काट के ले लू? ना मखूल मत बस बाप का रथ चला रहे तुम्हारे। चलो इसको कैद कराने की तैयारी करो, मार के खत्म कराने की। इमलियों के झाड़ों पे बैठ बैठ के लोगों के जाना ले रहा, बड़ा जादूगर पकड़ के ला रहा इसको। तो तोबा कर आवाज से, तोबा बोल जोर से, तोबा जोर से चीख मार के मुंह पे हाथ मार तोबा बोल। चलो इसको लो, इसको जकड़ के नाला और जला के राख करो इसके अंदर की दवाएं सब। जला उसके पेट में से अंदर से मार के धोधा के सब बाहर निकालो पूरा। चल रहे खींच बाहर पूरा, जला उसको अंदर से आग लगाओ, खींचो उसको और तेजी से। हाँ जलाओ पेट में से आग लगा के बाहर खींचो, जरा अंदर बाकी नहीं रहना। पूरा जला के बाहर खींचो, आग लगाओ उसके अंदर से। चल रहे बाहर पूरा, खिंचो पूरा बाहर उसका अंदर से तेज एक साथ जकड़ के। जकड़ो उसके अंदर से, गले में से भी तेज एक साथ बाहर खिंचो उसको। चल जोर से बाहर, हाँ निकालो और तेजी से मार के पूरा बाहर।
पूरा बाहर लो, पूरा उसके अंदर जरा बाकी मारो अंदर से, गले में उसके सांस रोक रहा, उसको कमजोर करो, उसको पूरा मार मार के अंदर से कमीने को। आमला है ये खुतबा खुद लगा हुआ नहीं है, ये कोई उन्हें कह रहा था कोई जादूगर है जो कि इमली के झाड़ के पास बैठकर कुछ तंत्र मंत्र करके उसको वहां से पकड़ा उन्होंने जंगल में से और पकड़ के लाके बच्ची के आंख में डाला। पीले येलो कलर का उसका फ्रॉक था वो लेकर गए थे कोई शादी के वक्त चुरा कर, अभी किसी रिलेटिव्स की शादी थी उस वक्त, और 3 या 4 महीने कुछ बोला उन्हें 4 महीने उसने तो ले जाकर तंत्र मंत्र करे उसको मारने वाला है उन्हें आज ही अम्मास में मारेगा वो पूनम में, आज ही पूनम लग रही, या फिर उन्हें बोल रहा कि उसके हिसाब से सहूलत देख के मारूंगा, पहले बोला मौका देख के मारूंगा, आज तो फाइनल था, बट उसको उसके अंदर दवा नस नस में भिंजने वाली है। सांप काटने के बाद जहर का सा नस नस में भिंज जाता, वैसे तंत्र मंत्र की चीजों की भी दवा यहाँ जादू टोने भी रहते थे, इसके भी वारा पूरे शरीर में भिंज जाते जहर के मानी, अगर ये पूरे शरीर में भिंज गए तो फिर उनको इनके तरीकों से काट के जला के राख करते, मगर हर चीज का अलग अलग तरीका रहता। सांप काट लिया और अपन ने ऊपर से कपड़ा बांध दिया जहर गिर जाता, और नहीं बने छोड़ दे तो पूरे बॉडी में फैल जाता, एंटीबायोटिक देके फिर बाद में काटना पड़ता, फिर कपड़ा बनने से काम चलता क्या नहीं चलता, तो वैसे ही बाद में धुआं पानी से भी तो उतने लेवल में काम नहीं चलता, फिर अमल करना पड़ता उनको, अमल करके उसको काट के जला के राख करना पड़ता। वो तो अल्लाह के फजलो करम से यहाँ से हर चीज का फर्क और हर चीज का हल है अल्लाह के हुक्म से, मगर तरीके सबके अलग अलग है। और ये जो दास्तान है ये कौन छोड़ा, क्यों छोड़ा, कहाँ से आया, नेक्स्ट राउंड में नाम पूछा दूंगा, और जो भी बात है तो पानी पानी दो, देखा कि अंदर दवा रहती है, दवा निकलने की कोशिश चल रही है पूरी, उसको सब निकाल के बाहर फेंकेंगे इंशाल्लाह, खुद ब खुद उसको उल्टियाँ होंगे नहीं तो खुद ब खुद उसको जुलाब होंगे अमल के दौरान में, और सब निकल के गिर जाएगा बाहर। बट एक बात है, अपने मर्जी से इलाज नहीं होता, तुम बोलेंगे कि मेरे दिल से छूना, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे तरीके से नहीं होता, हर चीज़ का एक तरीका रहता है। डॉक्टर को जाके तुम बोलेंगे ऑपरेशन करने का है, और वो ऑपरेशन समझो पेट के अंदर कोई गीट है तो नहीं, शोल्डर को ही फाड़ के गीट निकाल या दिमाग में से ही गीट, वो क्या कैसा होगा, तुम कैसा उसको जस्टिफाई भी नहीं कर सकते और उसको तुम सिखा भी नहीं सकते और ऑर्डर भी नहीं दे सकते, वो जिसकी उसके तरीके से रहता ना भाई, उसके सबके अलग अलग तरीके होते हैं, उन तरीकों से निकाल के चला के रखना पड़ता। और इसका जो मामला है ये ताज़ा ताज़ा नहीं है, इसके अंदर जो देख रहा मैं तो ये नया नया नहीं है, नया नया रहता तो मैं 20 वक्त निकाल के बाहर फेंक देता था रफा दफा दुआ पानी से ही, मगर ये पूरा बोला ना जाल पूरा भींगया नस नस में मजबूती से बढ़ गया, वो भी होता मगर उसको उसके तरीकों से अमल करना पड़ेगा, जैसा मैं बताऊँगा घर को जाके वैसा करना, अल्लाह की मुझसे कटना चालू हो जाएगा। बाकी जो है तो उसको जो तकलीफ हो रही पेशेंट को, जो तकलीफ होती है वो दूसरों को थोड़ी है, उसका एहसास थोड़ी होगा जितनी उसको, और दूसरे खाली उसके इसमें थोड़ा मलाल कर सकेंगे, मगर उसके तकलीफ को दर्द को बांट के थोड़ी कोई ले सकता हो, जिसका हल उसको मालूम रहता है ये कैसी तकलीफ रहती है, इसलिए इंशाल्लाह अब यहाँ से तो बहुत ज़्यादा फैज़ और राहत मिलेगी, अल्लाह के फ़ज़्ल करम से अमल करेंगे तो सब कट के जाता, मुसलमानों मोमिन बंदों में सबको, हिंदू मुस्लिम सिख सब को होता इबादत किया करो, इबादत जो है तो अल्लाह ने मोमिन का हथियार रखा है दुआएं, जब तुम नहीं करेंगे तो किसका क्या आ जाएगा, फिर तुम बड़े बड़े बातें करेंगे बैठ के तो किसका क्या आ जाएगा, जो मांगे सीख वो दर दर, जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भीख, फिर हर दर पे जाके भीख मांगना पड़ेगा अगर सीखेंगे नहीं तो। और एक बात वही बोल रहा हूँ बार बार कि जिसको दर्द होता उसको ही मालूम होता, दूसरों को मजा आती ठंडी छाँव में बैठ कर मजे लेते, अरे हूँ अरे हूँ, उन पर पड़ी चले ना, जब उन पर पड़ेंगी तो फिर उनको ना जमीन दिखती है ना फिर आसमान दिखता, फिर उनको इतना बुरा हाल हो जाता फिर उनका, इसी बात है। इसलिए अल्लाह सबको वबाओं से बलाओं से ऐसे आफतों से महफूज रखे, और दीन और राह फी सबिल्लाह राह सिरातुल मुस्तकीम की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं क्या बोलूँ, मेरे बोलने को अल्फाज नहीं है, ये सब ऐसे दास्तान देख देख के, ये बहुत सारे राज है बहुत सारे बातें हैं, अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कौन से आए थे, खैर क्या बोलते, तो उसको और क्या क्या तकलीफ होती घर में, वो बस 12 बजे रात तक का चाहिए हाथा पैर ठंडे रहते हैं, 12 के बाद में इतना बुखार चढ़ता कि उसके पास बैठने वाले को भाप लगती, और वो यहाँ पानी का घुट नीचे उतरे नहीं जाता, दर्द हो रहा ना, खाना फंसे भाई कुछ ना, पानी पीते रहा ना खाना खाते रहा उसको,
पूरा लाल हो जाता है। वही है जो खिलाए वाली चीज आए वो सब अंदर अटके आए, बताना मेरे को तफसील में। वो सब निकलता कैसा नहीं निकलेगा, असल उस्ताद को नहीं मालूम रहेगा निकालना तो फिर किसको मालूम रहेगा। और नकल तो बहुत भर के पड़े आले कसाले नाला हो, कुछ आता नहीं करने, सबकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, जाना भी लेते लास्ट में बेवकूफ लोगों को, नामखोलों को क्या बोलूँ मैं भी, बोलने को कोई अल्फाज नहीं है। इसलिए बस इतना ही बताऊँगा कि मेरा सब बातों का निचोड़ सबका एक ही चीज निकलता हो लास्ट में, ऑल थियरीज की कंक्लूजन एक ही रहता उसका लास्ट में निचोड़ के, आप इबादत करो लोगों, इबादत करो वो ईश्वर वो खुदा वो अल्लाह वो गॉड वो परमात्मा जिसने आत्मा की रचना, उसके तरफ रुझू तो हो, झुकाओ तो करो, तो जाओ तो सही, लगो तो सही इबादत की राह में, तो ये सब चीज़ों से बच के रहेंगे बहुत सारे। और तुम लगने के बाद जाएंगे तो फिर नहीं होता, फिर जाने देते रहिएगा तुम्हारा इबादत के नज़दीक, पहले से ही मजबूत रहना पड़ता। बहुत बातें मैं क्या बोलूँगा, बस इतना ही बोलूँगा, कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह सबको मन करने के तौर पर बताऊँ मैं, इंशाल्लाह पूरा काट के चलाऊंगा आगे के राउंड में, सब नामों के साथ पूछा दूंगा, ठीक है। चलो रोक दो, ये तो इन्हों आए थे। और दूसरी बात बताया मैंने तो, ये जो मामला है ये खुद ब खुद आए वाला नहीं है, मैं बता रहा हूँ बार बार, मेरे को जो दिखता हुआ इसमें बताता हूँ, और जो प्रैक्टिकल में है सबको बताता हूँ मैं सामने। मैं ऐसा मेरे मर्जी से कुछ भी दिल के बात नहीं करता, लायानी और फजूल बातें नहीं करता मैं, जिससे ना दीन का ना दुनिया का फायदा और ना इंसान का किसका फायदा हुआ, वही महल नहीं बनाता मैं, सामने बताता हूँ। और दूसरी एक बात सबसे अहम कि ये जो है तो ये छोड़े वाला बच्ची को ऐसे अंदाज में है कि वो लास्ट में उसको मार के साथ में लेके चले जाता। वो जो मेरे को फोन करके बहुत सारे लोगों के घर की बच्चियां बयान करते दास्तान है कि ऐसा ऐसा हमको कोई शय आ रही और ऐसी ऐसी हरकतें कर रही इतनी ओवर, तो वो जो हरकतें करती वो शय, तो वो कोई मान नहीं सकता, एक्सेप्ट नहीं कर सकता आम आदमी, बोलेंगे ऐसा कैसा फिजिकली टच करेंगे, ऐसा कैसा उन्हें वो करेंगे हरकत एक्स वाई जेड, वो तुमको नहीं मालूम, वो बहुत बदमाश रहते और बहुत अजीब वगरीब किस्म करते, और डरता तो नहीं चुने किसी से भी आम आदमी से, क्योंकि उन्हें तो एक इससे पहले कहा था तो उन्हें बोल रहा मैं पूजा कर रहा हूँ तो उन्हें भी जाके पूजा कर रहा, मैं ना इबादत कर रहा हूँ उन्हें भी जाके इबादत कर रहा, तुम जो भी करो उन्हें भी करता तुम्हारे साथ, इतना बदमाश रहता हूँ। फिर उसको डरेगा कैसा, कटेगा कैसा, उसको काटने के तरीके रहते हैं, उसको काटने के अमल है, उसको काटने वाला उस्ताद भी तो होना ना, जिसके पास में लंबी वाली जबान हो उस हिसाब से कटिंग आओ। और दूसरी बात बहुत जनों के कराम है राइट, में कुछ सब तजुर्बा है उस मामले में, फिर उसके बाद में कहीं हाजिर भी नहीं होता कोई इलाज वाले के सामने, इससे पहले तुमने दुआ पानी को बताया तो किसके सामने हाजिर हो के सवाल जवाब कुछ हुआ क्या? अच्छा यहाँ सवाल जवाब हुए तो यहाँ पर कितनी बार आने के बाद आपके सामने सवाल हुए, खुलासा हुआ पहली बार में होगा ऐसा, तो सबका अलग अलग रहता, फर्स्ट टाइम उन्होंने फर्स्ट टाइम में ही है सामने हमने जो भी हमने पूछा दिया, रहा सवाल नाम रुका के रखा, मैं नाम आगे पूछा दूंगा मेरे सहूलत के हिसाब से, मामला देखकर तुम्हारे दिल दिमाग को भाग कर उस हिसाब से नाम पूछूंगा, पहले सडनली इस वास्ते नहीं पूछूंगा तो तुम्हारा दिमाग गर्म रहता जाके झगड़े कर देंगे तो शर्म फैलता, इस्लाम में सख्त मना है शर्म वाला, तुम्हारा काम नहीं रहता उसको सजा देना, तुम्हारा काम नहीं रहता उससे लड़ाई करना, अल्लाह ने बिठाए वाले गद्दियां देकर ताज पिनाकर अल्लाह ने बिठाया ले बहुत सारे लोग हैं, तो मैं बोलूंगा सजा देने का काम उनका है, जब हटा रहे तुम्हारे अंगों में से तो सजा भी तो देंगे ना, इंसाफ की तलवार दो धारी रहती ना तो बरोबर फिर उसको पलटा के पटके देते, तो बहुत सारी बातें तुम लड़ने की नियत नहीं रखना, वो लड़ने की जवाबदारी हमारे ऊपर छोड़ देना, बरोबर सजा देते कैसी और कहां जाकर कैसा देना आपको, क्योंकि लोगों के बच्चों का क्या बोलते तो सुकून बेसुकून करेंगे और लोगों के जाना लेंगे तो क्या इतना आसान है, दुनिया इनके बाप की है क्या, दुनिया अल्लाह की और अल्लाह के बंदे है ये सब लोग, तो उन्हें फिर बिठाई भी वाले रहते ना गद्दियां देकर उस हिसाब से काम लेने के वास्ते, बहुत सारे राज है तो खुल के नहीं बोलूंगा, खैर अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, रोक दूं।